बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बुलबुल जान है। मैं तकरीबन कोई 15-20 साल से पोलो खेलता हूं और यहां चंदूर फेस्टिवल में मैंने कोई 17 साल पोलो मैच खेला है इस ग्राउंड का, क्योंकि इस ग्राउंड का मैं अवार्ड याफ्ता हूं और मैंने 3 साल लगातार एज ए टीम कप्तान यहाँ पर अपना टीम को विन कराया है और विन उसको मिली है हमारी टीम को। और यहाँ पर मैंने एक अपना एक रिकॉर्ड कायम किया है जो आज तक गिलगित और चित्राल के किसी प्लेयर ने उसको गेंग नहीं किया है। पोलो मैच के दौरान हम जो ही गोल होती है उसके बाद हम उसको हाथ में लेकर हिट मारते, फ्लाइंग हिट करते हैं, तो मैंने उसकी हैट्रिक की है 3 लगातार मैंने गोल करके, और वो मेरे लिए एक एजाज़ है। उसके बाद बहुत सारा ज़्यादा मैन ऑफ द मैच जो है इस ग्राउंड का मेरे पास है, और इसलिए मुझे इस खेल की निस्बत से मुझे सदारती अवार्ड तमगे इम्तियाज़ मुझे मिला है। उसके अलावा मुझे यूथ अवार्ड 2010 मेरे पास है, और 70वां जश्न आज़ादी जो पाकिस्तान में मनाई गई है उसका अवार्ड भी मेरे पास है। जो चंदूर ग्राउंड है इसकी हाइट है 12,500 फुट बुलंदी के उस पर वाक़ा है, और यहाँ पर इस ग्राउंड में मैंने कोई 17 साल रेगुलर ए टीम में खेला हूँ। जो चंदूर पोलो ग्राउंड है हमारी, इसकी लंबाई 800 फुट है और चौड़ाई 120 फुट है, और इसकी ये बड़ा तंग ग्राउंड है। हम इस तंग ग्राउंड पे खेलते हैं, और दूसरा ये है कि हमारी इस तंग ग्राउंड के अंदर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हैं। घोड़े एक दूसरे के साथ टकरते हैं, एक दूसरे को हुक करते हैं, बड़ा इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फॉल्स हैं जो दिखा के भी करते हैं, छुपा के भी करते हैं। अच्छा प्लेयर हो गया तो वो छुपा के करता है, अगर मुझ कोई नालायक जैसा हो गया तो वो उसको अवेदा करके करता है। तो इसलिए इस ग्राउंड के अंदर, नेहरू ग्राउंड के अंदर बहुत सारी मुश्किलात है। हुक करते हैं, छुड़वा देते हैं, हाथ पे लगता है, सर पे लगता है, गिर जाते हैं, एक दूसरे का टक्कर मारते हैं, तो इस तरह कई घोड़े भी यहाँ ज़ाया हो गए, एक दूसरे का लग के तो मर गए। और ये जो पोलो यहाँ पर हम खेलते हैं, ये कोई 500 कबल मसीह से ये पोलो यहाँ पर ऐजाद है, और प्रोफेसर दानी के मुताबिक चिलास के अंदर आपने देखा होगा कार्निंग है, पत्थरों के ऊपर लिखाई है, उसने अपनी किताब में लिखा है कि ये जो लिखाई है ये पोलो के बारे में है, और ये 500 कबल मसीह से यहाँ खेला जाता है। और ये चंदूर का जो फेस्टिवल है ये पाकिस्तान बनने से पहले से यहाँ पर ये खेला करते थे। उस वक़्त यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो राजगी निज़ाम थी, चित्राल का राजा और हमारा गिलगित का राजा, वो आपस में जब मीटिंग के लिए आते थे तो उस वक़्त आपको पता है कि गाड़ियों की बंदोबस्त नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, हर आदमी के पास घोड़ा होता था, गद्दा होता था। उस ज़माने में ये चीज़ें जिसके पास ज़्यादा उसकी बड़ी अहमियत होती थी, तो जो लोग सफ़र करते थे आते जाते थे तो वो अपने घोड़ों के साथ आते थे, और इस पार्ट पर वो मिल के राजे आपस में मीटिंग करके और ये पोलो उस वक़्त से यहाँ खेला करते हैं, और अपनी ओरिजिनल शक्ल में हम इसको हमने प्रिजर्व किया हुआ है, और इसलिए इसकी अहमियत भी है। फॉरनर आते हैं तो बड़े वो महसूस होते हैं कि यार ये कितनी ख़तरनाक खेल है आप लोग खेलते हैं। हमारी पोलो और इंटरनेशनल जो पोलो है उसमें बहुत डिफरेंस है। हमारी पोलो जो है वो हम 6 प्लेयर में खेलते हैं, और इंटरनेशनल पोलो जो है वो 4 प्लेयर खेलते हैं। उनकी ग्राउंड और हमारी ग्राउंड में भी फ़र्क है। वो बड़े खुले ग्राउंड में खेलते हैं, और वो कोई हम तंग ग्राउंड है तो हमारी ग्राउंड तंग है, और हम 6-6 प्लेयर खेलते हैं, तो उनके
मैच जो होती है वो सिर्फ आधे घंटे की होती है, वो 7.5 मिनट के बाद हाफ होती है और पूरा 30 मिनट में वो 4 घोड़े चेंज करते हैं। हमारे यहाँ हम 1 घंटा पोलो मैच खेलते हैं, जो कि ये रूल नहीं है कि हम घोड़ा चेंज करें, एक ही घोड़े पे 1 घंटा पोलो मैच खेलते हैं। और सबसे ज़्यादा एडवांटेज यहाँ पर ये है कि किसी का घोड़े का स्टेमिना, जिसका घोड़ा का स्टेमिना अच्छा हो उसके लिए एडवांटेज है। और अमूमन यहाँ पर खिलाड़ी तो बराबर होते हैं लेकिन घोड़ों की वजह से दूसरी टीम को मार पड़ती है, इसलिए हम जितना फिटनेस यहाँ पर प्लेयर के बजाय हम घोड़े को ज़्यादा अहमियत देते हैं कि घोड़ा न थके अंदर जाकर। तो इसलिए हमारे इस खेल के दौरान हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि घोड़े की स्पीड अच्छी हो, घोड़ा ताबेदार हो, रुके ज़्यादा। और आपको पता है कि 12,500 फुट की बुलंदी पर अगर आप एक जाहिल किस्म के घोड़े पर खेलेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगा और घोड़ा भी थक जाएगा और दूसरी टीम को एडवांटेज मिलेगा। इसलिए फर्स्ट आल हमारी जो तरजीह होती है वो घोड़े पे होती है। हमारे खेल के दौरान हम 6 प्लेयर खेलते हैं, मुख्तलिफ साइज से मुख्तलिफ साइडों पे खेलते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6। तो इनकी अपनी अपनी पोजीशन होती है। 5 और 6 होते हैं वो डिफेंस पे खेलते हैं, वो हर वक्त डिफेंस करते हैं और अपनी टीम को वो कोशिश करते हैं कि मदद करें आगे को। 3 और 4 होते हैं वो सेंटर हाफ होते हैं, 3 और 4 जिस टीम की भी 3 और 4 हम कोशिश करते हैं अच्छा से अच्छा प्लेयर हो, क्योंकि वो सेंटर हाफ होता है, उसकी काम होता है कि अपने 5 और 6 को भी वो मदद करे, 1 और 2 को भी मदद करे। तो इसलिए 3 और 4 जो है वो अहम पॉइंट्स हैं। 1 और 2 जो है वो स्कोर करते हैं, बल्कि 1 का काम ये है कि वो किसी भी तरीके से जाकर मुखालिफ सिमित का जो 6 नंबर है उसको बीट करे, उससे मिस कराए, ताकि पीछे से आपका 2 भी जा सकता है, 3 भी जा सकता है, 4 भी जा सकता है, अटैक होती है। तो उस वक्त कोशिश होती है कि वो 1 नंबर अगर बाल मिल जाए तो अटैम्प्ट करे, नहीं मिलता है तो अपना 6 को डिफेंस करें। हमारी जो मैच है ये फ्री स्टाइल मैच है, तो इसमें आप इंटरनेशनल पोलो मैच में देखें तो आप 4 4 प्लेयर खेलते हैं तो 2 अंपायर भी साथ अंदर घूमते रहते हैं, फॉल होते हैं, कोई रॉन्ग साइड से जाता है तो फॉल होता है, कोई गलत हुक करता है फॉल होता है, जैसे सेम हॉकी की तरह से पाथ में रख के फिर हिट मारते हैं। हमारे इसमें ग्राउंड के अंदर तो कोई अंपायर नहीं, रूल इसमें भी है, फ्री स्टाइल तो है, फ्री स्टाइल में ये है कि मैं आपको धक्का दे के गिराऊँ, मुझे अलाउ है, कोई फॉल नहीं होगा। अगर मैं आपके साथ कोई बदतमीजी करूं या आपके हाथ पे जानबूझ के या आपके साथ पे जानबूझ के मैं स्टिक से मारूं या कोई ऐसी जो फॉल करूं जिससे बाहर हमारे जूरी साहिबान होते हैं, जज साहिबान होते हैं, तो वो एकदम बिगल बजाते हैं और हमें वार्निंग करते हैं कि भाई आइंदा आपने इस तरह फॉल किया तो आपको ग्राउंड से बाहर करेंगे। तो इस तरह की यहाँ भी रूल्स कम हैं, इसका इंटरेस्ट दिलचस्प इसलिए है कि रूल में आप इंटरेस्ट उसमें आप 5-5 मिनट में आपको विसल होती है, गेम डेथ होती है, गेम रुकती है तो खेल का मज़ा ख़त्म होता है। और हमारे इसमें ये नहीं है, चलता रहता है। अच्छा, उसके अलावा हमारे गोल सब पोस्ट पे, दोनों पोस्ट पे हमारे गोल जज होते हैं, जो गोल होने के बाद वो सुर्ख झंडी हिलाते हैं तो गोल होती है, सफ़ेद हिलाते हैं तो आउट कसूर करते हैं। हर गोल के बाद हमारी साइड चेंज होती है, गोल इधर होती है हम उसको हाथ में उठा के लाते हैं और सेंटर में लाकर हम उछाल कर उसको हिट मारते हैं, तो वो बाज़ औक़ात जाकर डायरेक्ट गोल भी होती है। तो इसी तरीके से मैं अभी आपको बता रहा था 3 मैंने हैट्रिक की है, सारी क्रोड खड़ी हो गई मेरे लिए, तो ये मेरे लिए एक एहसास है। Thank you.